इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक है दास बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 के सरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में करीब 100 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने के बाद निगम ने लगभग 531 कॉलोनियों के टैक्स स्लेब में परिवर्तित किया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। सराफा बाजार स्थित महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कॉलोनियों के संपत्ति कर के रेड जोन में बदलाव को लेकर आज कहा कि शहर में अच्छे काम के लिए टैक्स स्लैब का युक्तियुक्तकरण की नई परिभाषाओं को करता है, इसलिए यह आवश्यक है और उसी आधार पर यह कार्य किया जा रहा है। मेयर ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अभी बौखलाई हुई है और हार की ओर उनकी तैयारी है, इसलिए कांग्रेस अनर्गल मुद्दे उठा रही है। बताना चाहेंगे कि करीब 531 कॉलोनियों की लिस्ट जारी कर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने बीते दिनों महापौर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर महापौर ने आज कांग्रेस पर जुबानी पलटवार किया। शहर में अच्छे काम के लिए टैक्स स्लैब का युक्तियुक्तकरण विकास की नई परिभाषाओं को गढ़ता है और इसलिए वो आवश्यक है और ये मांग सब लोगों से आती रही है, उस आधार पर ये काम किया है और कांग्रेस अभी बौखलाई हुई है, हार की तरफ तैयारी है उनकी, इसलिए वो ये अनर्गल मुद्दे उठा रही है।